अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ तमाम फ्रेंड भी ठीक होंगे। मैं मैक्स दादी और आप देखते हैं मैक्स दादी। तो आज ना हम जा रहे हैं आलिया व्लॉग्स के घर, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि वो गरीबों वाली वीडियो बनाते हैं कि उनका कोई घर वगैरह नहीं है। तो आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ओरिजिनल में उनका घर या वो वैसे हैं या नहीं, तो मतलब वो गरीब हैं कि नहीं। मैं आप सबको वो सब कुछ दिखाऊंगी और उनसे मिलवाऊंगी भी, और साथ नहर है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे से। और क्या होता है मैम, ये मेरी फुल लुक, और वहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ जाके दिखाऊंगी कि ओरिजिनल मतलब वो गरीब हैं या मतलब सब कुछ दिखाऊंगी जो भी लोग में वो दिखाते हैं या वो ओरिजिनल होते हैं या नहीं। वहाँ उनके घर के करीब एक नहर है, पता नहीं बहुत ही चौड़ी, कसम से डर लगता है, मतलब दरिया लगता है। तो पता नहीं इसमें कोई नहाता भी है या नहीं, अगर इसमें कोई खुदा ना खासा कोई गिर गया ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा जिक्की जिसे कहते हैं सराइकी में जिक्की कहते हैं, बहुत ज़्यादा जिक्की और चौड़ी है, अगर कोई गिर गया ना तो उसने बचना नहीं है। मैं खुद दिखाती हूँ आप लोग, वो देखिए वो मुर्मे यहाँ पे ना गल, वो देखिए यार कसम से इतनी, वो मतलब ये शायद आप लोगों को मोबाइल में। और दूसरी बात, इस वक्त मैं वाकई आप लोगों को कसम से नहीं बता सकती कि मुझे क्या फील हो रहा है, अगर बड़े यहाँ पे बोलने के अल्फाज नहीं हैं कितने वो हैं। तो आप सब ने ना चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है, और ये साथ है ना सड़क है साथ ही, तो आप लोगों ने मतलब ये नहीं करना कि वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। और मैं आप लोगों को उनका घर कंप्लीट दिखाऊंगी कि क्या बन रहा है, ये वो वाकई गरीब हैं क्या नहीं, ठीक है ना। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। चलो ऊपर चलते हैं और चलते हैं उनके घर। मेरा व्लॉग ना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, अगर आप लोग देखना चाहते हो कि क्या क्या होने वाला है तो फिर आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि नहीं बस हम चलते हैं उनके घर, मतलब उनकी कॉल आई है जल्दी है क्योंकि वो लेट हो जाएगा ना फिर। गाइस हेड उधर देखें, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है पानी, यहाँ से आप लोगों को दिखा थले ना देखे ना धांधी तनी मैं ना मिट्टी तनी बैठा अच्छा क्या होते हैं, ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा हेड देखा है, वल्ला कसम से मेरा दिल कांप रहा है इतना बड़ा। और उधर देखिए दरख्त के अंदर घुसे हुए, अच्छा वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो आप लोगों ने वैसे ही घूम के वैसे ही वीडियो से डर जाना, वल्ला इतना डरा के आगे वैसे मैं ना उसके पास ही नहीं जा रही, डर ये देखिए इधर इधर है यार, ये देखिए आप लोग को थोड़ा नज़दीक लग रहा होगा लेकिन ये नज़दीक के घर जाते हैं। हमने रैंडमली ना फ़ोन किया था कि यहाँ पर एक बाबा होटल है, पता नहीं पठान होटल है, वहाँ से फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं, तो उन लोगों ने पहले कहा कि दो दिन पहले बताना तो था कि हम थोड़ी चीज़ें वगैरह सेट कर लेते, लेकिन भाभी आ गई है, भाभी को दिखाएं। तो
तो भाभी हमारा इस्तकबाल करने के लिए आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा इनको जाके ना रिसीव करके। क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रही भाभी? नहीं नहीं, बस ये हुई कि हमने आप लोगों को पहले बताया नहीं, रैंडम भी आ गए हमने। नहीं हमने मतलब वो लोग कुछ आप लोग के कमेंट में कहते हैं ना कि ये फेक वो करते हैं, तो हम मैं छापा मारने के लिए आई हूँ। मतलब कुछ ना इनकी वीडियो के नीचे कमेंट होते हैं कि ये फेक ड्रामा करते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को आज वो दिखाने आई हूँ, तो आप लोग खुद देख भी सकते हैं। अभी से यहीं से पता चल रहा है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई लाइट वगैरह तो नहीं है, तो अंदर जाके आप लोग को सब कुछ दिखाती हूँ। और आंटी के ताकि वो पंखे पे सो जाए, तो उन लोगों ने अपना बोर बनाया हुआ है। हाँ जी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आप लोग इसी में सुबह? हाँ जी, इन रस्तों की छाँव पर हम बैठते हैं। और यहाँ पर मैं चूल्हा वगैरह अगर कोई आ जाए ना, तो गर्मी में यहाँ पर खाना पाना करते हैं। और ये वो तो आप लोग जो देख रहे थे ना वीडियो में, शायद आप लोगों ने इनकी वीडियो में देखा हो कि यहाँ पर काम हो रहा था, तो वो खड़ा है। आगे चलते हैं और देखते हैं आप लोग हमारा कैसे इस्तकबाल, और आगे जाके आप लोगों को ना घर का रिजल्ट वगैरह आप लोगों को भी करवाते हैं और खुद भी करते हैं, तो आप ही लोग अपने बच्चों को नहला ले, उनको गर्मी लगी है। ये मेरे बच्चों का छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो ये पूरा दिन इसमें नहाते रहते हैं। आगे चलते हैं, आप लोगों को घर दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों की एक मशहूर चीज़ थी, वो कहाँ पर थी जो मतलब बर्तनों वाला, वो हमने कहाँ पर तोड़ दिया है? इस जगह पर, वो जहाँ पर बर्तन रखते थे वो वाली चीज़। हाँ जी, वो फिर बनाएंगे, फिर आ जाना भी लोग बना लेना। हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा, कुछ लोग हमें कहते थे कि ये मतलब फेक हैं, तो आप लोग खुद रैंडमली हम आए हैं, तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो आप ही लोग कुछ मसरूफ़ थे कामों में, फिर भी हमने बिज़ी किया है, लेकिन फिर भी आप ही लोगों ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, और वाकई बहुत दिल के अच्छे हैं वाकई। हाँ जी, कोई बात नहीं, बस हम तो रोज़ाना ही दुआ करते हैं कि हमारे घर ना रोज़ाना मेहमान आए। मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना, तो हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। आप भी मतलब के खिलाफ के कुछ लोग होते हैं कि मतलब के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे ना मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं उनसे बोलूं, तो ये माशाल्लाह इखलाक के तो अच्छे हैं। मैंने आप ही से कुछ क्वेश्चन किए हैं, वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ तक आप ही लोगों को आने के ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हैं, और आप लोग आसानी से कमेंट में लिख देते हो कि आप लोग फेक ड्रामे कर रहे हो, ये वो नहीं, इसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, जो कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं। यहाँ इसमें इतनी मेहनत करके यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं, तो आप लोगों ने अच्छा क्या होता है, ये रहा भाभी लोगों का घर। मतलब जैसे मैंने सुना था ना, मतलब वीडियो में देखा था भाग के ही ऐसे हैं, तो यहाँ पर भाभी लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है यहाँ पर पहुँचने तक, ठीक है। तो यहाँ से हम भाभी से पूछते हैं कि यहाँ तक आने तक आप लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात उठानी पड़ी, मतलब यहाँ पर इस फील्ड में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, वो भाभी से पूछते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हमने ना यूट्यूब चैनल की वजह से किया है, काफ़ी ज़्यादा, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम मतलब कि यूट्यूब चैनल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो है ना घर भी बन गया है, तो पहले तो हमने एक मतलब के कच्चे कमरे में भी हमने गुजारा किया, टूटा फूटा हुआ सा, वो आप लोगों ने भी शायद अपनी वीडियो में भी देखा हो, मतलब इनकी वीडियो में देखा हो। उसके बाद जो है ना हमने एक टेंट लगाया था वो उस जगह पर, वो जब व्यूअर जाएंगे ना हमारे व्लॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना घर बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना हमारा घर बन चुका है, और अब हम बस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुश भी हैं। आप लोगों ने ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह इनको इनकी तरक्की की बहुत बहुत ज़्यादा वो करे। और क्या होता है, मैंने वाकई जैसे सुना था ना, मतलब जैसे वो मैंने भी वीडियो में देखा था कि एक झोंपड़ी वगैरह हम मतलब रैंडम आए थे, हमने ना मतलब कॉल की थी, हमने इनको बताया नहीं था कहाँ हम इनके घर आ रहे हैं, मतलब मैं चेक करना चाहती थी कि वाकई ऐसे हैं कि नहीं। हमने ना वो एक नहर है उसका क्या नाम है, ये ना पठान होटल से पूछा था कॉल करके, हम आप लोग के घर आ रहे हैं, तो फिर माशाल्लाह पहले तो भाई ने कहा कि हमें दो दिन पहले बता देते ताकि हम सफाई वगैरह कर लेते, लेकिन हमने तो रैंडमली चेक करना था कि
कैसे है, ठीक है। तो ये एक बेटी और ये एक बेटा भाभी लोग का है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रैंडमली भी आने के लिए ना इन लोगों ने बहुत बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। लेकिन आप लोगों ने इनकी मतलब हर चीज़ देखी होगी, मिस्त्री वाकई मैंने वीडियो में भी देखी होंगी, आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं कि यहाँ पर लगे हुए थे कल परसों। तो यहाँ पर वाशरूम भी बनाए हैं अभी अभी, मतलब कल परसों ही न्यू बनाए। तो यहाँ पर इंशाल्लाह भाभी लोगों के बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं क्योंकि गर्मी है। उन लोगों ने यहाँ पर टब बनाए हुए वो इधर काम देखे। हाय ओए इधर हेलो करो। हाय बाहर चलते हैं, अब बाहर भी धूप है। नहीं भाई हवा थोड़ी थोड़ी चली हुई है। तो मैंने ना भाभी को कहा है कि मुझे ना वो एक पता नहीं झोंपड़ी सी खड़ी हुई है, मैंने वो देखनी है। वहाँ पर चलते और भाभी से पूछते वो क्या है। उनका कमरा दिखाती हूँ। कल परसों मैंने देखा था कि मतलब यहाँ पर अभी प्लिस्तर नहीं हुआ था, प्लिस्तर हो चुके हैं और भाभी को अंदर ले आते हैं। और यहाँ पर मतलब वो जो भाभी लोगों ने मेहनत की थी, मतलब दाने वगैरह वो भी अंदर आए हुए हैं। मतलब यहाँ से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और यहाँ पर कूलर पड़ा हुआ है जो कि पानी, मतलब बिल्कुल सादा एंड सिंपल, मतलब जैसे गाँव के लोग होते हैं ना वैसे बिल्कुल सादा एंड सिंपल, कोई मतलब सादगी बिल्कुल जैसे फिलोग में दिखाते हैं वैसे ही बिल्कुल। और ये जो जहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को खाना बनाना मिलता है भाभी लोगों का, व्यूअर्स सिस्टर का तारुफ करवाता चलो। आप इसे जानते ही होंगे, वैसे तो ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका प्यारा सा नाम महक शहजादी है और इनकी टिकटॉक आईडी पे भी इनका नाम महक शहजादी है ना सिस्टर। इनके 2 मिलियन फॉलोअर हैं माशाल्लाह, और इन्होंने चैनल भी अब बना लिया है, यूट्यूब पे भी काम कर रही हैं। सिस्टर आपके चैनल का नाम क्या है? मैक शहजादी, यूट्यूब के चैनल का भी नाम मैक शहजादी और टिकटॉक का भी। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेगम साहिबा ने थोड़ा बहुत जो है ना खाने बहुत ज्यादा इस्तकबाल कर लिया माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो सिस्टर आप खाएंगी तो हमें पता चलेगा, आप तो खाए नहीं है। इतना खाती है आप? इतना खाती है घर में भी? नहीं घर में भी रोटी तो पकाते नहीं है जैसे बात है। नहीं घर में ज्यादा खाती हो? घर में तो अपनी बात नहीं माशाल्लाह मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा खा रही है। अच्छा अच्छा ठंडी मच गाली बोल रहा है हंसी मजाक समाप्त करता हूँ। आपकी कुछ हिस्सा मिला लो, आप तो हंसी जा रही हो, हंसी जा रही हो मेरे मुंह की तरफ देखती हूँ क्या हुआ? नहीं तो अली हमला चांद हो चुका है। आपसे चोरी खा लिया था, मुझसे चोरी बड़ी हमारे सिस्टर जैसे बेगम साहिबा ने ना मुझसे चोरी खा लिया है, मैं ना कानों में अंगली देता हूँ, आप भी चोरी चोरी खा लें ये मिठाई सारी। जब मैंने कहानी थी मुझे कितनी कानों में अभी क्यों नहीं है आप आंखें गलती हो गई ये कानों पे नहीं आंख। अच्छा और इसके बाद ना मैं आप लोगों को भाभी उन लोगों का ना रहन सहन दिखाऊंगी कि कैसे है और हर चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम खा पी लें तो उसके बाद दिखाती हूँ, या तो हमारी बोतल गर्म हो जानी है। भाभी लोगों के घर हम आ चुके हैं तो उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही तकल्लुफ कर लिया पानी वगैरह, तो ये चीज़ें खुद आप लोग देख सकते हैं और भाभी भी साथ बैठी हुई है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप? तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये लोग हमारे घर खुद चल के आया, तो हमें बड़ी खुशी महसूस हो और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तकल्लुफ कर लिया है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें मंगा ली हैं, लेकिन मैं अब भाभी को खिलाती हूँ। इसके बाद हम आपको इनका रहन सहन दिखाएंगे। बाहर चलते हैं, अब बाहर भी धूप है। नहीं भाई हवा थोड़ी थोड़ी चली हुई है, तो मैंने ना भाभी को कहा है कि मुझे ना वो एक पता नहीं झोंपड़ी सी खड़ी हुई है, मैंने वो देखनी है। वहाँ पर चलते और भाभी से पूछते वो क्या है। चले चले चले।
पर ना हम भाभी लोगों का देसी माहौल देखते हैं। यहाँ पर भाभी ने मटर भी जाय किए हैं और करेले भी। मटर नहीं है ये टमाटर है, वो सच टमाटर ये टमाटर है। और मैंने ना इनके पौधे नहीं लगाए, मैंने ऐसे मतलब कि मैं सब्जी काट रही थी, मैंने ऐसे टमाटर काटा, उसका जो बीज है ना इधर ऐसे आके मतलब के डाल दिया, तो छोटे छोटे पौधे हुए बड़े हो गए, फल लगाते थे इनके ऊपर ना टमाटर लगे हैं माशाल्लाह और करेले भी लगे। हाँ जी। और यहाँ भाभी लोग ना इन दरख्तों के नीचे बैठते हैं, मतलब इतनी कम छौके नीचे। हाँ जी, गुजारा करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मतलब जितना भी है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा आप चलें, आप तो करना ही पड़ेगा, अंदर कोई जेल का नाम है बंद हो जाएगा। ये तोड़ी रखने के लिए ना हम इन्हें बोलते हैं पल्ला। अच्छा। ये पल्ला सा बना हुआ है, इनमें ना थोड़ी जमा करके रखी हुई है जानवरों के लिए। और वो मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं ना वो घास येलो कलर की तूड़ी डालते हैं जानवरों को, वो गंदम की बनती है। तूड़ी तो तूड़ी होती है ना, तूड़ी हर बंदे समझता है, मैं भी समझता हूं। में कहते हैं भू। हां हां हां, भू भू। सिस्टर तो सही आदि पे है, बिल्कुल ठीक आदि पे है। इनका मुंह क्या नहीं है ना, ये नहीं है, ये है। अच्छा क्या होते हैं, मैंने ना भाभी लोगों को कहा था कि मुझे ये दिखाएं, मैं सरेकी में बात करती हूँ। ए वो मतलब भू रखना, जैसे वो येलो जानवरों को चीज़ नहीं डालते उसे कहते हैं भू सरेकी में, तो इस चीज़ में तूड़ी और इस चीज़ में उसको ये रखते हैं और यहाँ से ये मोर है, अगर कोई अंदर बच्चा भाई चला गया उसे भी निकल नहीं सकना, तो यहाँ से ये निकाल के डालते हैं। और ये रही भाभी, और यहाँ पर ना एक कच्चा मकान खड़ा हुआ है जिसमें मतलब गांव के मतलब शायद कच्चे भी हो ना तो उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा प्यारी। गांव में वैसे भी ज़्यादातर ना कच्चे मकान होते हैं लोगों के, तो वो बड़े मतलब अच्छे लगते हैं, जब उनकी लिपाई कर दी जाए ना माशाल्लाह। तो मतलब सफाई करनी चाहिए, कच्चा हो या पक्का हो मतलब वो भी प्यारा लगता है। तो इसे लगा ताला हुआ है ये, हमने वरना अंदर से भी आपको ना डर दिखाते जिन में। ओ यहाँ से मोरियाँ हैं, नहीं नहीं इसमें जिन विन नहीं है, यहाँ पे भूत भूत नहीं है, ये तो बस वहम होता है। मैंने भी मजाक किए मजाक की मजाक। अच्छा हाँ जी व्यूअर्स, मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे आप लोग हमारे चैनल आगे भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आपने इनके चैनल को भी सपोर्ट करना है। इनके चैनल का नाम है महशजादी, तो उनको भी इन। और अब हम जा रहे हैं तो भाभी को करते हैं अल्लाह हाफिज़, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने क्योंकि आगे हमने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर टिकटॉकरों से मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी। और भाभी को करते हैं यहाँ पर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाभी, अल्लाह हाफिज़। कुछ कहना चाहेंगी?